हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं मंदिर में जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी वहाँ की व्यूज कि पंडित जी कैसे शिव महापुराण का उद्यापन कर रहे हैं। आज हवन है मंदिर में और सबसे पहले जाऊंगी मैं अपनी जेठानी के घर। वो शिव महापुराण का पाठ करा था उन्होंने और रोज़ पढ़ती हैं, उनकी फ्रेंड है वो। और तो मैं आज आपको कुछ अध्याय आपको सुनवाऊंगी उसके। तो चलिए चलते हैं, पहले अपनी जेठानी के चलूंगी और फिर चलेंगे मंदिर में। तो चलिए गाइस चलते हैं। और मैंने यहाँ पर ज्योत बत्ती कर ली है अपने। निर्माण करना चाहिए, उन्हें पवित्र स्थान देकर भूमि की परीक्षा कर देश के अनुकूल उपचार करे, फिर गणेश जी का पूजन करे और लिंग को स्नान कराने के लिए स्नानालय में जाएं। 8 या 5 स्नान की मिट्टी गोबर अर्थ पंच गवे से पिंडी के साथ साथ उस लिंग को स्नान करावे, फिर वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करे। तत्पश्चात मूर्ति को सुंदर आभूषणों से सुसज्जित भोजन पश्चिमी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के आनंद की जय हो, भारत माता की जय हो। आगे ना बोलने, मात पिता की जय हो। सबने बोले अपने अपने, मात पिता की जय हो, महाराज की जय हो। गीता ज्ञान अमर रहे, भारत सदा अमर रहे, भारत माता की जय। तो 15 अगस्त है जी। हाँ तो ऐसे भी 15 अगस्त है, भारत माता की जय हो। ये चार ऊपर ना खुला। बंद कहाँ तक हो गए, शिव जी के मारे चला रखा है पंखा। हैं करिए बेटा ये पंखा बंद, ये डोरी खींचेगी शायद। खींच दे जिया जाएगा पैसा, और भी जिया जाएगा। आठ पीपे चढ़ा दिए।
हम आ गए थे मंदिर में और मंदिर में हवन का समापन हो गया है और अब हो रही है आरती। ये शनि की मूर्ति स्थापित की है अच्छा तो जय हो जय हो स्वीकार करें आपकी सेवा में हमारे मन से वचन से कर्म से किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है ये शंभु अपना बालक जानकर क्षमा करें अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे काम को बनाए रखे धर्म के प्रति हमारी आस्था किसी तरह बनी रहे भंडारे की तैयारी लो दीदी हाँ सुना दे बैठा दे लुगाई सारी बैठा दे कथा सुनाओगी भैया आड़े आड़े खा लियो एक बार तो खाई जाओ कोई बार बार थोड़ी खा सामने तो खाई जाओ भोले बाबा का जब वो तारीख सुना
घी अब होएगी एकादशी की कथा। तो हम एकादशी की कथा सुनेंगे। इच्छावानों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोल शंकर भगवान कामदा एकादशी की कथा संपन्न होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, प्रश्न किया भगवान कृष्ण से। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आज के पुत्रदा एकादशी है। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके पुरानी कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कथा समाप्त हो गई, संपन्न हो गई हमारी एकादशी की। और फिर से भजन कर रही हैं उनके। और आज बड़ा ही पावन दिन है, तो देखिए गाइस कितना अच्छा पावन मौसम है। सारी रात शिवजी पर जल चढ़ाया है भगवान ने, सारी रात बरसा हुई है और बड़ा ही पावन दिन है आज एकादशी का।